बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि हर पेरेंट्स ये मूवी देखें और अपने बच्चों को थोड़ा टुडे एज वी वर टॉकिंग अबाउट दैट पीपल आर मोस्टली टॉकिंग अबाउट आई क्यू बट पीपल आर नॉट discussing about EQ. EQ means that is emotional quotient. So as how we are going to study, to what level we are going to get marks, at the same time it is very important how you are going to deal with your emotions, how you are going to understand others' emotions, and how you are going to manage your own emotion, which is going to be a very important part as far as the education of the students is concerned. Because if you tell them, if you teach them how to manage your own emotions, I think suicide prevention, that could be one of the important steps in towards suicide prevention. And I think after this movie will get released, I think the stigma which is associated with the depression and suicide is obviously going to be lesser than what it is today in our country. मेरे ख्याल से ये फिल्म का जो विषय है, बहुत सारे विषय हैं, और ये विषय नहीं है, ये जीवन के साथ जुड़ी हुई बातें हैं. मैं हर बार मेरे लेक्चर में कहता रहता हूँ कि एक एसी या फ्रिज रिपेयर करने के लिए 6 महीने का कोर्स आता है, लेकिन एक पेरेंट के लिए कोई कोर्स नहीं आता है. बायोलॉजिकल पेरेंट्स बनना तो बहुत इजी है, लेकिन एक ऐसी डिग्री होनी चाहिए, मानो कि भाई BIP के बेहतर इन पेरेंटिंग, ऐसी कोई डिग्री होनी, क्योंकि हम आइडियल पेरेंट बन ही नहीं सकते. और क्योंकि हम आइडियल पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं, हम न तो हमारे बच्चे को पूरा समय देते हैं, न उनकी फीलिंग्स को जान पाते हैं, न उनके शौक को जान पाते हैं, न उनका ध्येय क्या है वो जान पाते हैं, न उनकी हॉबी क्या है वो जान पाते हैं. और अल्टीमेटली ऐसा होता है कि बच्चे को जाना हो दिल्ली, हम उसे पहचाने का, उसे पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं बॉम्बे, और बीच में बच्चा या तो आधा लटक जाता है या फिर बच्चा हमारे पास ही नहीं रहता. तो ये जो विषय है, ये विषय पूरे भारत में सब समाज के साथ जुड़ा हुआ है. ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई गरीब हो उसके साथ ही जुड़ा है, या तवंगर हो या रिच फैमिली हो. ये विषय इसको मेरे ख्याल से भारत के हर गांव में, हर कोने में इसको ले जाना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए. अगर हमें एक ऐसा समाज निर्माण करना है जो स्वस्थ समाज हो, केवल शारीरिक स्वस्थ तो नहीं लेकिन मानसिक रूप से भी जो स्वस्थ समाज हो, इस समाज पे ऐसा समाज का अगर हमें गढ़तर करना है, इसे समाज की पुनर्निर्माण करना है, तो ये विषय उसके लिए बहुत जरूरी है.